भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से कांग्रेस की दूरी ने देश की सियासत में नया भूचाल ला दिया है। हाईकमान ने जो फैसला लिया है उस पर कांग्रेस के ही कई बड़े नेताओं ने सवाल उठा दिया है। कांग्रेस के आलाकमान ने न्योता ठुकराने के समर्थन में दो बहाने बनाए हैं। पहला ये कि मंदिर अभी पूरा नहीं बना है, आधा अधूरा है, चुनावी लाभ के लिए उद्घाटन हो रहा है। इस दलील के अलावा कांग्रेस ने शंकराचार्यों का भी मसला उठाया है और कह दिया है कि जब शंकराचार्य ही इस कार्यक्रम में नहीं आ रहे तो कांग्रेस इस समारोह में क्यों जाएगी। तो कांग्रेस ने न्योता ठुकराया और न्योता ठुकराने के साथ ही दो बहाने कांग्रेस के सामने आए। पहला बहाना यह है कि ये अर्ध निर्मित मंदिर है इसलिए कांग्रेस इस कार्यक्रम में नहीं जा रही है। दूसरा जो बहाना कांग्रेस की तरफ से बनाया गया है वो शंकराचार्यों के इस कार्यक्रम में उपस्थित ना रहने को बनाया गया है। आइए आपको सबसे पहले कांग्रेस की वो चिट्ठी दिखा देते हैं जिसने सियासी भूचाल मचा दिया है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से इनकार किया गया है। कांग्रेस की तरफ से जारी चिट्ठी में लिखा गया है कि मंदिर अर्ध निर्मित है यानी आधा अधूरा बना है। आधे बने मंदिर को मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने न्योता ठुकरा दिया है। तो देखिए कांग्रेस ने न्योता ठुकरा दिया है और कांग्रेस के न्योता ठुकराने के साथ ही कई सारे सवाल हैं जो खड़े हो गए हैं। वो कांग्रेस जो अभी तक न्योता मिलने के बाद ये कहती हुई नजर आ रही थी कि इस कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता शामिल होंगे, अचानक कांग्रेस ने अपनी ही लाइन से यू टर्न लिया है और ये साफ कर दिया है कि उसे इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनना है। जो दो वजह बताई गई हैं, पहली वजह यह है कि यह मंदिर आधा अधूरा बना है, यह अर्ध निर्मित मंदिर है और बीजेपी इसका उद्घाटन करने के साथ 2024 में वोटों का लाभ लेना चाहती है। जो दूसरी बड़ी वजह है कांग्रेस अपने इस लेटर में बता रही है वो ये कि शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं। हिंदू धर्म में शंकराचार्यों का क्या महत्व है ये सभी को पता है। ऐसे में कांग्रेस ने जो वजह बताई है वो यही बताई है कि इस कार्यक्रम में जब शंकराचार्य उपस्थित नहीं होंगे, जब शंकराचार्यों को नहीं बुलाया गया है तो कांग्रेस भी इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेगी। हालांकि कांग्रेस के इस फैसले का विरोध ना सिर्फ बीजेपी कर रही है बल्कि इस स्टैंड पर अब कांग्रेस में ही दो पार हो गए हैं। कांग्रेस के हाईकमान ने जो स्टैंड लिया है उसका पालन कांग्रेस के ही नेता नहीं कर रहे। हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री और पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य ने 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने का ऐलान कर दिया। ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है और मैं समझता हूं कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि हिमाचल में कुछ ही लोगों को जो है वो 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है और मुझे धन्यवाद करना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, विश्व हिंदू परिषद का, इन्होंने मुझे और मेरे परिवार को ये सम्मान दिया है। और 22 तारीख को जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में होंगे उस दिन का निमंत्रण हमें दिया गया है और उस दिन निश्चित तौर से, क्योंकि ये जीवन में एक ही बारी ऐसा मौका मिलता है कि इस इतिहास का हम गवाह बन सके, तो एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते और देव समाज में विश्वास रखने होने के नाते ये मेरा परम दायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उस दिन वहाँ पर उपस्थित रहूंगा भी और इस इतिहास को बनते हुए जो है मैं इसका गवाह बनूंगा। इसके लिए मैं निमंत्रण देने वाले सभी संस्थाओं का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब देखिए कांग्रेस आलाकमान इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होने जा रहा है। बाकायदा कांग्रेस ने अपना ऑफिशियल स्टैंड क्लियर कर दिया है लेकिन कांग्रेस के अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं और इसीलिए कांग्रेस फिलहाल अपने इस स्टैंड पर फंसती हुई नजर आ रही है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस हाईकमान तो दूरी बना ही रहा है। देश के सभी शंकराचार्य भी इस कार्यक्रम से दूरी बना रहे हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। इनका यह कहना है कि आधे अधूरे मंदिर में भगवान को स्थापित किया जाना न्यायोचित और धर्म सम्मत नहीं है। वहीं शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद भी इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनने जा रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मूर्ति का लोकार्पण करेंगे, उसे स्पर्श करेंगे, मैं वहां ताली बजाकर जय जयकार करूंगा। तो इन दोनों चेहरों को लेकर, शंकराचार्यों को लेकर ही अब सियासी बवाल मचा हुआ है क्योंकि कांग्रेस ने यह बहाना दिया है या कांग्रेस ने अपने ना जाने की जो वजह बताई है उसमें बड़ी वजह यह बताई है कि शंकराचार्य इस कार्यक्रम
का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। जब शंकराचार्य ये मानते हैं कि मंदिर अभी आधा अधूरा है, इसका उद्घाटन नहीं होना चाहिए था, तो बीजेपी किस हक से इस मंदिर का उद्घाटन कर रही है? दरअसल बीजेपी 2024 में वोटों का लाभ लेना चाहती है, इसीलिए इस मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। ये आरोप कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर लगाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस नेताओं के पुराने बयान, कांग्रेस नेताओं के नए बयान, कांग्रेस में हो रही दोफाड़ कांग्रेस के लिए मुसीबत बढ़ा सकती है। जब हमारे धर्मगुरु ये बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे इस आयोजन को पूरी तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का नेता बना दिया है, जब शंकराचार्य जी नहीं जा रहे हैं, बात वही है। हमें दृढ़ता से हमारे देश जो सनातनी परंपराएं चली आ रही है, जो वैदिक परंपराएं चली जा रही है, जो हमारे धर्म गुरु का अपमान किया जा रहा है और धर्म गुरु को आपस में लड़ाया जा रहा है, रावण ने संप्रदाय से शंकराचार्य जी को लड़ाया जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। और इसलिए हम यही कहते हैं कि जब मंदिर का निर्माण ही पूरा नहीं हुआ तो भी उद्घाटन किस बात का हो रहा है? जब मंदिर का निर्माण ही पूरा नहीं हुआ तो बीच में क्यों किया जा रहा है? अरे मंदिर का आप उद्घाटन कराने चाहते थे, आप प्राण प्रतिष्ठा कराना चाहते थे, तो फिर रामनवमी पर क्यों नहीं करा रहे हैं? अब जिस दिन राम भगवान राम का जन्म हुआ है उस दिन आप क्यों नहीं करा रहे हैं? इनका उद्देश्य धर्म नहीं है, इनका उद्देश्य राजनीतिक है। लोकसभा का 2024 का चुनाव का लक्ष्य है। तो कांग्रेस नेताओं के स्टैंड बदले बदले नजर आते हैं। इसके पीछे दो वजह आप समझ सकते हैं। पहली वजह यह कि कांग्रेस जानती है कि राम मंदिर का सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता है, और दूसरा बड़ी वजह कांग्रेस की तरफ से यह हो सकती है कि कांग्रेस अपने एक वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहती, यानी 20% वोट बैंक पर कांग्रेस फोकस्ड है। हालांकि कांग्रेस का हाईकमान बेशक इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले रहा है, लेकिन कांग्रेस के ही कई बड़े नेता इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इच्छा जता चुके हैं और न्योता ठुकराने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि आत्मघाती फैसला हो सकता है। कांग्रेस के नेता हैं प्रमोद कृष्णम, जो कह रहे हैं कि बहुत दुख पहुंचा है कांग्रेस के इस फैसले से, उन्हें उनका दिल टूट गया है और ये फैसला आत्मघाती हो सकता है कांग्रेस के लिए। वहीं अर्जुन मोटवाड़िया कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि ऐसे निर्णय लेने से दूर रहना चाहिए था, यानी कांग्रेस को इस कार्यक्रम का बॉयकॉट नहीं करना चाहिए था। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं अंबरीश देर, वो भी यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि जनभावना का दिल से सम्मान करना चाहिए। इस वक्त कांग्रेस के भी कई नेता हैं जो ये मानते हैं कि राम मंदिर से पूरे देश की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, हिंदू सेंटीमेंट्स जुड़े हुए हैं, और इसीलिए कांग्रेस को न्योता नहीं ठुकराना चाहिए था। अब जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही वो तीन बड़े चेहरे हैं जिन्हें वीएचपी की तरफ से न्योता दिया गया था, जिन्हें राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से न्योता दिया गया था, सोनिया गांधी को न्योता दिया गया था, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता दिया गया था, और नेता विपक्ष अधिरंजन चौधरी को भी न्योता दिया गया था। हालांकि आपको बता दें कि आज से 20 दिन पहले यानी कि 21 दिसंबर को न्योता दिया गया था इन तीनों ही नेताओं को राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से, और उस वक्त कांग्रेस अपनी लाइन तय नहीं कर पाई थी। कांग्रेस को तकरीबन 20 दिन लग गए ये तय करने में कि उसे इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनना है, और नहीं बनना है तो क्यों नहीं बनना है।